अगला हम लोग ले रहे हैं प्लांक नियतांक। जिसको इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं का विमीय सूत्र। अब हम करेंगे क्या, यह से संबंधित एक कोई सूत्र लेंगे। एक फोटॉन ऊर्जा का फार्मूला होता है यह न्यू। यहां न्यू क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति। यह क्या है, प्लांक नियतांक। ई क्या है, एक फोटॉन ऊर्जा। यह बराबर आपको हो जाएगा ई अपान न्यू। देखे पीछे आपको कार का विमीय सूत्र आपको लिखा बताया गया था, यम एल टू टी माइनस टू। यानी जिनके जिनके मात्रक जूल हैं, जिनके जिनके मात्रक जूल हैं, उनका विमीय सूत्र होगा एम एल टू टी माइनस टू। कार का निकाला गया था यम एल टू टी माइनस टू। देखे एक बार फिर से कैसे, कार बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो अगर कार का विमीय सूत्र निकालना है तो बल का विमीय सूत्र ये होता है एम एल टी माइनस टू, विस्थापन यानी लंबाई इसका विमीय सूत्र आपको यह। तो बल का हो गया एम एल टी माइनस टू और विस्थापन का आपको हो गया यह। देखिए यम एक बार है इसको लिख लिया, यल आपको दो बार है, यल का यल में मल्टीप्लाई है, यहां यल की घात एक, यहां यल की घात एक, एक एक कितना हो गया दो। और टी एक ही बार है इसको हम लिख लेते हैं। तो आपको कार का मात्र क्या हो जाए, कार का विमीय सूत्र हो गया यम एल टू टी माइनस टू और उसका मात्र क्या होता है जूल। तो जिनका जिनका मात्रक जूल है उन सबके विमीय सूत्र, मात्रक सेम है तो विमीय सूत्र भी सेम होगा। तो जिनका जिनका मात्रक जूल है उनका विमीय सूत्र क्या होगा, यम एल टू टी माइनस टू। जैसे आपको कार्य जाए गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, प्रकाश, ऊष्मा, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो जिनका जिनका मात्रक जूल है उन सभी का विभिन्न सूत्र क्या हो गया, यम एल टू टी माइनस टू। यहां पर ऊर्जा का तो प्लांक, ये प्लांक के नियतांक है, तो प्लांक के नियतांक का विभिन्न सूत्र अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा ऊर्जा का विभिन्न सूत्र अपान आवृत्ति का विमीय सूत्र। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, यम एल टू, यम एल टू टी माइनस टू। पीछे आपने आवृत्ति का विमीय सूत्र निकाला था कैपिटल टी माइनस वन, तो आपको यह हो गया कैपिटल टी माइनस वन। देखिए यम एक बार है तो हमने इसको एक बार लिख दिया, यल भी एक बार है तो इसको एक बार लिख दिया, लेकिन टी दो बार है। अब आता ही इसमें इसमें क्या होगा, घात का नियम अप्लाई होगा। तो हम ये बेस आपको दो बार है इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर पावर कितनी है माइनस दो, नीचे माइनस वन, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी प्लस वन। तो माइनस दो प्लस वन कितना होता है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन। यम एक बार लिखा, यल एक बार लिखा, इसकी पावर दो है तो दो लगा दिया, बीमा दो है दो लगा दिया, टी दो बार है तो इसमें घात का नियम अप्लाई करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। अब ऊपर माइनस दो है, ये माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन, तो माइनस दो प्लस वन, तो यानी टी दो बार है तो यहां पर घातांक का नियम अप्लाई करेंगे। तो टी को हमने एक बार लिख दिया, अब क्या करेंगे, जब बेस को एक बार लिखा तो पावर को ठीक है यहां पे कंबाइन करेंगे, तो ऊपर पावर माइनस दो है, ये नीचे माइनस वन, ऊपर जाएगा प्लस वन, तो माइनस दो प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन। ये आपको आवृत्ति का विमीय सूत्र हो गया। इसके पश्चात अगला हम लोग ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। एफ क्या है, बल है, और क्यू क्या है, आवेश। अब हमको इसका विमीय सूत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा बल का विमीय सूत्र अपान आवेश का विमीय सूत्र।
बल का विमीय सूत्र क्या आपने लिखा था, यम यम एल टी माइनस टू, ये बल का विमीय सूत्र। इसके बाद आवेश का विमीय सूत्र आपने क्या पढ़ा था, ए टी या टी ए, पीछे आप इसको देख लेगा, ये सब आपको विमीय सूत्र आपको बताए जा चुके हैं। तो बल का आपको बताया गया था यम एल टी माइनस टू और आवेश का ए टी लिखे या टी ए। अब आप बताइए ऊपर नीचे अगर आप तुलना करेंगे तो यम ऊपर है नीचे नहीं है, तो आप इसको एक बार लिखेंगे, ऊपर यल है नीचे यल नहीं है, इसको भी आप एज इट इज लिख देंगे, ऊपर टी है नीचे भी टी है, तो टी पर आप क्या करेंगे घातांक का नियम लगाएंगे। तो ये देखिए टी में टी का भाग है, जैसे ऊपर आपको यस की पावर यम डिवाइडेड बाई यस की पावर यल है तो घातांक का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। इन दोनों बेस को हम क्या करते हैं एक बार लिखते हैं और ऊपर वाले पावर का साइन वैसे रखते हैं और नीचे वाले पावर का साइन क्या कर देते हैं बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ऐसे यहां टी आपको दो बार है, एक बार लिख दिया, अब इनके ऊपर वाले का साइन हम ऊपर वाले टी के पावर का साइन एज इट इज रखेंगे और नीचे वाले का हम पावर का साइन बदल करके जोड़ देंगे। तो यहां पर टी की पावर कुछ नहीं तो एक है, साइन बदलेंगे क्या हो जाएगा माइनस एक, तो माइनस दो माइनस एक कितना हो जाएगा माइनस तीन, ये हो जाएगा माइनस तीन, यहां ए की घात कितनी वन, इसको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस वन, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। इसके बाद अगले वाले पे आते हैं वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र, वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र। तो इसका इससे संबंधित एक फार्मूला होता है ई इंटू डी, तो विभवांतर इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र इंटू डिस्टेंस। तो वैद्युत क्षेत्र का अब अगर हमको विभवांतर का विमीय सूत्र निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र के विमीय सूत्र में डिस्टेंस के विमीय सूत्र का मल्टीप्लाई करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र अभी आपने निकाला है और ये कितना निकाला है यम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र जो अभी आपने ये निकाला है आप इसी तरीके से निकाल करके यहां पर रिप्लेस कर देंगे। ये डी क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लंबाई, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है एल। आप देखिए इसमें घातांक का नियम अप्लाई करेंगे, आप और इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं विभवांतर का विमीय सूत्र या वी, विभवांतर को हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल वी को बड़े ब्रैकेट के भीतर में लिख देंगे तो ये इसको क्या ये उसी की गणितीय भाषा है, विभवांतर का विमीय सूत्र की यह गणितीय भाषा है। यम देखिए दोनों ब्रैकेट में एक बार है इसको लिख दिया, यल आपको यहां भी है यहां भी है, तो यल का यल में क्या है मल्टीप्लाई है, यल का यहां पर यल बेस कितनी बार है दो बार है, हम इसको क्या करेंगे घातांक का नियम लगाएंगे, जैसे यस की पावर यम इंटू यस की पावर यल। घातांक का पहला नियम आपने क्या पढ़ा है, अगर आपको ये आपको घात आपको दो बार या दो से ज्यादा हो सकता है, तो जैसे यस की पावर यम इंटू यस की पावर यल है तो दोनों बेस को यहां पर दो बेस है हम एक बेस से लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे विद साइन एड करेंगे, यहां पर हम दोनों के साइन को क्या करेंगे बी साइन लेकर के ऐड कर देंगे। सेम उसी तरीके से यहां भी एल है यहां भी एल है, एल का एल में क्या है मल्टीप्लाई है, ये आपको बेस दोनों क्या है सेम है, हम इसको क्या करेंगे एक बार बेस लिखेंगे और यहां कुछ पावर नहीं है तो कितना पावर है एक है, तो बेस को यहां पर एक बार लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे बी साइन एड करेंगे, एक एक कितना हो जाएगा दो, यहां पर क्या लिखोगे एल की टू। आप देखो यहां टी है लेकिन इधर कहीं टी नहीं है, तो जब एक ही टी है तो आप उसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहां देखिए ए एक बार है इधर आपको ए है नहीं, इसको भी क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया विमीय सूत्र, ये विभवांतर का विमीय सूत्र हो गया। इसी तरीके से वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है सेम होता है। तो अगला हम लोग ले रहे हैं धारिता, संधारित की धारिता का विमीय सूत्र, वैद्युत धारिता का
बीमी सूत्र। देखें इसका फार्मूला होता है सी बराबर क्यू अपान वी। धारिता की अंग्रेजी होती है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का पहला वर्ड सी है तो हम इसको सी से कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, तो सी बराबर हो जाएगा आवेश बटा विभवांतर। तो सी बराबर आवेश का बीमी सूत्र आप पीछे देखने का कितना निकाला था आपने एटी या टी ए, और देखिए अभी विभवांतर का बीमी सूत्र आपको क्या बताया गया है, विभवांतर का बीमी सूत्र बताया गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आवेश का बीमी सूत्र पीछे बताया गया था टी ए, विभवांतर का भी आपको बताया गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब आप बताइए ऊपर आपको यम, नीचे भर केवल यम है ऊपर यम नहीं है, तो पहले हम इसी क्रम में लिख, हम इस क्रम में जनरली लिखते हैं यम एल टी ए थीटा, इसी क्रम में हम बीमी सूत्र लिखेंगे। तो पहले आपको यम यहाँ नीचे ऊपर नहीं है, यहाँ यम की पावर एक है तो ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस वन, यानी यम की बीमा क्या हो जाएगी माइनस वन। नीचे यल है ऊपर यल नहीं है तो इसको एक बार लिखेंगे एज इट इज लिखेंगे, यल की यहाँ पे बीमा दो है पावर दो है ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी माइनस टू। देखो यहाँ नीचे टी है ऊपर भी टी है तो हम क्या करेंगे घात का नियम अप्लाई करेंगे, तो घात का नियम क्या है यस की पावर यम अपान यस की पावर यल, बेस दो बार है एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले का साइन एच डी लिखेंगे, नीचे वाले का साइन बदल करके जोड़ देंगे, यहाँ प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, और माइनस होता क्या कर देते प्लस कर देते। यहाँ देखिए टी है और यहाँ भी क्या है टी है, तो ऊपर वाले का बताइए टी का पावर कितना एक, ऊपर वाले का साइन एच डी रखेंगे और नीचे वाले के साइन क्या करेंगे बदल के जोड़ेंगे, यहाँ माइनस तीन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस तीन। एक बार फिर से देखिए ऊपर भी टी है नीचे भी टी है, तो अगर ऊपर टी है नीचे भी क्या है टी है, तो देखिए यहाँ दोनों बेस क्या है सेम है, यहाँ पावर कुछ नहीं कितना है एक है, दोनों बेस को क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले का साइन एच डी लिखेंगे लेकिन नीचे वाले का साइन क्या करेंगे बदल देंगे, माइनस है क्या करेंगे प्लस और ये जुड़ देंगे, तो एक और तीन कितना हो जाएगा चार, तो आपको ये हो जाएगा चार। अब देखिए ऊपर ए है नीचे भी ए है, तो यानी ऊपर ए है और नीचे क्या है ये भी ए है, अब यहाँ पर घात का नियम अप्लाई करेंगे तो बेस कितना हो गया यहाँ पर ए, ए हो गया तो दो बार बेस था एक बार लिखा, और घातों को भी साइन ऐड करेंगे, ऊपर पावर कितनी है एक, कुछ नहीं तो एक है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे लेकिन नीचे वाले का साइन क्या करेंगे बदल के जोड़ देंगे, ऊपर वाले का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे माइनस है तो माइनस, लेकिन नीचे वाले का प्लस है तो माइनस करेंगे माइनस है तो प्लस, साइन बदल देंगे, यहाँ माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, एक धन एक कितना हो जाएगा दो। इसका बीमी सूत्र आपको, तो संधारित्र की धारिता का जो बीमी सूत्र है ये संधारित्र की धारिता का सूत्र हो गया, हिंदी में भी लिख सकते हैं धारिता का बीमी सूत्र या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, तो ये धारिता का बीमी सूत्र हो गया, क्या हो गया यम माइनस वन यल माइनस टू टी फोर ए टू। अब इसके बाद जैसे तरंग दैर्ध्य का बीमी सूत्र, देखिए तरंग दैर्ध्य क्या ये मूल राशि है, तरंग दैर्ध्य होता है एक तरंग की लंबाई, यानी ये तरंग दैर्ध्य लंबाई होती है, तो लंबाई का बीमी सूत्र क्या होता है यल कैपिटल एल, तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, आप हिंदी में लिख लीजिए तरंग दैर्ध्य का बीमी सूत्र या उसको गणितीय भाषा में लिख सकते हैं, तो तरंग दैर्ध्य का बीमी सूत्र चूंकि तरंग दैर्ध्य क्या है लंबाई है, लंबाई का बीमी सूत्र क्या होगा कैपिटल एल होगा। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं गुप्त उष्मा का बीमी सूत्र। देखिये गुप्त उष्मा का जो फार्मूला, गुप्त उष्मा से जो संबंधित फार्मूला होता है वो होता है क्यू बराबर यम इंटू यल। यहाँ क्यू क्या उष्मा है, यम क्या है द्रव्यमान है, और यल क्या है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा की अंग्रेजी तो लैटेंट हीट, लैटेंट का पहला वर्ड यल है तो इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, यहां पर यल बराबर बताइए क्या हो जाएगा क्यू अपान यम। अब हम यहां पर इसको इस तरीके से नहीं लिखने जा रहे हैं,
क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि ये लंबाई का विमीय सूत्र होता है, जबकि आपको ये क्या है, यहाँ पर यह क्या है, गुप्त ऊष्मा है। हम इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ऊष्मा का विमीय सूत्र पांच द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो ये गुप्त ऊष्मा यल का विमीय सूत्र हो जाएगा, ऊष्मा का विमीय सूत्र पांच द्रव्यमान का विमीय सूत्र। ऊष्मा अभी आपको पीछे बताया गया, तो ऊष्मा का ये साई पद्धति में मात्रक होता है जूल, और जिनका जिनका मात्रक आपको जूल होता है सबका विमीय सूत्र क्या होगा, यम यल टू टी माइनस टू। और ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा, कैपिटल एम। अब इसको कंबाइन करते हैं, देखे यहां भी यम है यहां भी यम, तो ऊपर यम है और नीचे भी क्या है, यम है। घात का नियम अप्लाई करिए, यहां पर पावर कितनी वन, यहां भी पावर कितनी है वन है, बेस दो बार है, एक बार लिखा, ऊपर वाले का साइन एंटिटी लिखे, नीचे वाले का साइन बदल दीजिए, तो नीचे वाला यहाँ प्लस वन है तो ऊपर जाएगी माइनस वन, कितना हो जाएगा यम की जीरो और किसी की पावर। तो आपको ये यम से संबंधित आपको विमा यहाँ पर इन दोनों को अगर साल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम की जीरो। ऊपर देखे यल है, नीचे यल नहीं है, तो यल को एजिटी लिखेंगे, एक बार है, इस पर घात का नियम अप्लाई नहीं करेंगे। ऊपर टी है, नीचे टी नहीं, इस पर घात का नियम अप्लाई नहीं करेंगे। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, यम की जीरो यल की टू टी की माइनस टू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए किसी की पावर, किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन होती है, वन यहां कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, यल की टू और टी की माइनस टू, वन का किसी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये तो समझाने का आपको इस तरीके से बता दिया, यम की जीरो को तो यम की कोई बीमा है ही नहीं, यम की कोई बीमा नहीं तो आप इसको हटा दीजिए, यानी आपको ये हो जाए यल की टू टी की माइनस। तो गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या हो गया, यल की टू टी की माइनस टू। इसके बाद ऊष्मा धारिता, पीछे हम लोगों ने वैद्युत धारिता पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ने जा रहे ऊष्मा धारिता। यहां भी आपको हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी का पहला वर्ड सी है तो सी से ही डिनोट करेंगे, और ये होता है सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू यहां क्या ऊष्मा है, डेल्टा टी क्या है, तापांतर है। तो ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र, ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र ये हो जाएगा, ऊष्मा का विमीय सूत्र डेल्टा टी, यहां तापांतर है, तापांतर का विमीय सूत्र, ताप और तापांतर का विमीय सूत्र वही होगा कैपिटल थीटा। तो ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र हो गया ऊष्मा का विमीय सूत्र पांच तापांतर का विमीय सूत्र। ऊष्मा का विमीय सूत्र, ऊष्मा क्या, ऊर्जा है, और अभी आपको बताया ऊर्जा का विमीय सूत्र आपको, ऊर्जा का मात्र जूल, जिनका जिनका मात्र जूल है सबका विमीय सूत्र आपको क्या होगा, यम यल टू टी माइनस टू अपान तापांतर का क्या होगा, कैपिटल थीटा। ये देखिए कैपिटल थीटा है। अब यहां देखिये ऊपर यम है, नीचे यम नहीं है, इसको एक बार लिखेंगे केवल यम, ऊपर यल है लेकिन नीचे यल नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे, ऊपर टी है नीचे टी नहीं है, तो टी पे कोई घात का नियम लगेगा नहीं, ना यम पर ना यल पे ना टी पर, नीचे थीटा की कुछ पावर है तो वन है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, थीटा की माइनस वन। तो देखे ये भी कैपिटल लेटर्स, ये भी कैपिटल लेटर्स, ये भी, तो द्रव्यमान यहां यम का कैपिटल लेटर कैपिटल एम, कैपिटल एम कैपिटल टी, ये कैपिटल थीटा हो गया। तो ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र यम वन यल टू टी माइनस टू थीटा माइनस वन।